हमारा टॉपिक है वो है ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन में जिन चीजों की हमें जरूरत होती है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये ग्लव्स हैं जो कि मैंने पहन रखी हैं। उसके बाद में ये टॉर्निकेट है, ये सिरिंज है, ये स्प्रिट कॉटन है, ये स्प्रिट है, ये प्लाज्मा ट्यूब्स है और ये डस्टबिन है, साफ कंटेनर, ये मार्कर्स है। सबसे पहले हम टॉर्निकेट अप्लाई करेंगे। टॉर्निकेट अप्लाई करना है वो जो साइड है आपकी, जो मीडियन क्यूबिटल वेन जो होती है उससे 3 फिंगर्स ऊपर आपको फील करना है, ठीक है। वेन फील करेंगे और वेन फील करने के बाद में स्प्लिट कॉटन लेंगे। स्प्लिट कॉटन लेने के बाद में जो साइड आपने सेलेक्ट करी है उसको इनर टू आउटर क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद में उसको 30 सेकेंड के लिए हम छोड़ देंगे कि वो ड्राई हो जाए वहाँ से। उसके बाद हम सिरिंज लेंगे, सिरिंज को चेक कर लेंगे पहले कि उसके अंदर कोई वैक्यूम तो नहीं है और कहीं से वो टूटी हुई तो नहीं है। जो साइट आपने सेलेक्ट करी है उसको क्या करना है, 30 से 45 डिग्री के एंगल पे प्रिक करना है, ठीक है। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आपको प्रिक करना है और प्रिक करने के बाद में बिल्कुल स्लोली आपको कलेक्शन करना है। धीरे धीरे आपको प्लंगर को पीछे खींचना है, ज़्यादा फास्ट आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं खींचना है, धीरे धीरे से प्लंगर पीछे खींचना है। और हम अभी आप देख रहे हैं कि कलेक्शन हो रहा है आपका और ब्लड कलेक्शन होने के बाद में आपको टॉर्निकेट है वो रिलीज करना है और कॉटन स्वाब है वो वहाँ पर अप्लाई कर देना है और बिल्कुल आराम से नीडल को बाहर निकालना है। उसके बाद जो सिरिंज है आपकी उसको रिकैप करेंगे हम, ठीक है। और रिकैप करने के बाद में जिस प्लाज्मा ट्यूब्स हैं उसके अंदर हम उसको फिल कर देंगे, से ओपन करेंगे और जो प्लाज्मा ट्यूब्स हैं उसको फिल कर देंगे। और प्लाज्मा ट्यूब्स में फिल करने के बाद में जो प्लाज्मा ट्यूब्स हैं जिसमें क्लॉट एक्टिवेटर होता है उसको 2 से 3 बार आपको मिक्स करना होता है और मिक्स करने के बाद में आप प्लाज्मा ट्यूब को रख देंगे। जो आपकी सिरिंज है उसको आप सार्व कंटेनर में डिस्पोज। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक ब्लड कलेक्शन, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।